Hello friends, fans, viewers, subscribers, my sab beautiful family, aap sabko ek baar fir se bahut zyada welcome back meri koi video mein. So today I am in Oxford Street and I thought ke yahan pe bhi ek video banate hain. Oxford Street jo hai ye bilkul Bond Street ke saath hai aur ye dono jo streets hain ye meri most favorite hain. The most favorite thing spot of mine in London are Bond Street and Oxford Street. The reason is कि यहाँ पे आपको बहुत सारे brands मिल जाते हैं जो usually होते हैं famous brands. And I'm all about shopping. तो यहाँ पे I come a lot to do the browsing और मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने के बाद लेता हूँ, एकदम नहीं लेता. तो अभी आपको भी दिखाते हैं Oxford Street. You might have seen it already, लेकिन मैं आपको अपने नज़रिए से दिखाऊँगा. सबसे पहले मुझे H&M नजर आया तो हम इसमें जाएंगे. आई एम नॉट श्योर कि H&M पाकिस्तान में है या नहीं. आई थिंक सो, आई हैव सीन इट समवेयर. मतलब मुझे बहुत पसंद आया तो आई वॉन्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट. ये देखें, ये कोट पहन के नाल ही बंदे ना जरा लुक के वो चेंज हो गया. आई लाइक दिस कोट, ये अच्छा है. थोड़ी सी जो वीडियो है ना वो ये कोट पहन के ही बनाते हैं. मुझे ऐसे लॉन्ग कोट्स भी पसंद है, लेकिन मैंने लिए भी एक दो, लेकिन उनका फिर आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं होता. लॉन्ग टर्म फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि हम लोगों ने कैजुअली कमर्शियल वेयर पहननी होती है पाकिस्तान में स्पेशली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो उनके साथ ये पड़ते नहीं. एंड ये हैवी भी होते हैं लॉन्ग कोट्स, तो ये फिर बस अलमारी में ही पड़े रहते हैं. तो ये अब उतार दिया है मैंने, क्योंकि ऑनेस्टली जुल्ली हैं सैतियाँ या अक्सन के ऐसा निकॉर्डनल मूवी तो सा क्यों बताइए. आई मीन द नाइकी, और नाइकी जो है ना ये बच्चों वाली चीज़ लगती है. बचपन में इसके इतने कपड़े लिए हैं हमने, लाइक मेरे लेट टीन्स तक भी. तो अब ये नाइकी शाइकी मुझे बहुत बुरे लगते हैं, बट स्टिल समटाइम्स आई कम हेयर टू चेक के क्या नया है मार्केट. वैसे इस कलर की शर्ट बहुत टाइम से चाहिए और मैंने एक जगह पहननी है ब्लैक कोट के साथ, मतलब इस कलर की शर्ट. बट आई वॉन्ट टू स्टिल लुक फॉर मोर. नाइकी में आने का एक फ़ायदा हुआ है कि मुझे यहाँ पे डीजे मिल गया है. मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये डिस्क वाली चीज़ देखी है. फिल्मों में तो बहुत देखी हुई है, लेकिन हम कब गए हैं ऐसी पार्टियों में कि ये देखा हुआ. तो ये यहाँ पे आने का एक ये फ़ायदा हो गया कि गॉट टू सी दिस एंड आई गोना मेक स्नैप अबाउट इट. लोगों ने झंडे ये इसलिए लगाए हुए हैं, झंडे नहीं सॉरी स्टार्स इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि क्रिसमस है अगले महीने. तो ये सारा कुछ उस लिए है, जैसे हम उसके लिए, जैसे हम लोग 14 अगस्त में झंडियाँ लगाते हैं, ये लोग स्टार्स लगाते हैं. यहाँ पे ओरिएंटेशन भी हो रही है जो इनका आईफोन वालों का, एप्पल का जो नया मोबाइल आया उससे मुतल्लिक. ये लोगों को पुट लगा रहे हैं कि तुम नवा वर्जन करो, छोटी झूठी मूठी कहानियाँ बढ़ा के एक हद कोई नई नया फंक्शन ये डाल देते हैं नए मोबाइल में और उसकी प्राइस ऐसे ही हाई हो जाती है. एंड दे ऑटोमेटिकली लोवर्स द जो पुराने मॉडल होते हैं उनका सिस्टम जो सारा लो कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, ताकि लोग मजबूर हो जाएँ नया लेने में. मोबाइल के ये है आईफोन 14 बाय द वे, मैंने पहली बार देखा है, मैंने खुद पहली बार देखा है. और इन लोगों ने साथ रस्सी बांधी हुई है कि कोई चोरी ना करके दे. और यहाँ पे हमारे पास कलर्स हैं ब्लैक, वाइट, नेल्स पिंक, शॉकिंग रेड एंड ब्लू.
और ये 14 प्लस जो है इसकी प्राइस जो है इट्स 914 पाउंड्स. अब पाकिस्तानी कितने बनते होंगे ये आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना. अच्छा मुझे इसके सारे फंक्शंस और सारी स्क्रीनिंग सब कुछ आईफोन 13 की तरह ही लग रहे हैं. पता नहीं लोगों को क्या क्रेज़ होता है नया मॉडल लेने का और इट्स जस्ट लाइक द अदर वंस. इनफैक्ट आईफोन 11 भी ऐसा ही है. और ये मेरे वाले हैं दोनों, इनको हम एक दफ़ा इनकी फैमिली से मिलवा देते हैं ताकि मेरे जो दोनों ये क्यूट से पार्टनर्स हैं, मेरी जो दो लाइफें हैं, ये अपने घर वालों से मिल लें. और अब हम लोग चलते हैं. So friends, that was all for my today's video. मुझे उम्मीद है कि आज का जो व्लॉग था वो आप लोगों को पसंद आया होगा. अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें पूरा दिन बैठ के दसना रहा, बट द थिंग इज़ वीडियो विल गेट सो लॉन्ग. और मेरी अपनी ज़ाती प्रेफरेंस ये होती है कि वीडियो जो है ना वो छोटी हो, सो दैट पीपल कैन हैव अ लुक एट इट क्विकली. यहाँ पे अब शोर भी बहुत है, तो मैं मिलूँगा आपको मेरी अगली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द. तब तक के लिए आप सब देखिएगा अपना बहुत सा ख्याल और मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. तो आप सबको मेरी तरफ से और इस ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट इंग्लैंड वालों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा अल्लाह हाफ़िज़.